इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। लेकिन ध्यान रखना, आचार्य कहते हैं ईश्वरत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो ईर्ष्या से हमें कोसों दूर हटना पड़ेगा। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है वह कभी ईर्ष्या नहीं करता। अंतस में झांक करके देखने का प्रयास करो, क्या थोड़ा बहुत हमने ईश्वर को पहचाना है या थोड़ी बहुत हमने ईर्ष्या को कम किया है। पहचानने की कोशिश करो, थोड़ा सा भी ईर्ष्या भाव अगर हमारा कम हुआ है तो ये मान करके चलिएगा कि हमने ईश्वरत्व को पहचान करने का कदम बढ़ाया। अभी पहचान लिया ये नहीं कह सकते। ईर्ष्या होती क्यों है आखिर? कई कारण है इसके। किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाना, ये भी एक कारण होता है ईर्ष्या का। आपने देखा होगा, आपके सामने मान लो कोई संचालक है, कोई समाज सेवी है, कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई महिला मंडल की अध्यक्षा है, कोई बालिका मंडल की अध्यक्षा है, मंत्री है, सारा काम संभालती है। अगर किसी ने उसके सामने किसी दूसरे समाज सेवी की, दूसरे अध्यक्ष की, मंत्री की प्रशंसा कर दी तो फिर देखो सारे काम एक तरफ और दिमाग में नकारात्मक सोच एक तरफ प्रारंभ हो जाती। यहां तक कि किसी अच्छे से अच्छे प्रवचनकार के समक्ष अगर किसी दूसरे प्रवचनकार की प्रशंसा कर दी जाए, एक विद्वान के समक्ष दूसरे विद्वान की प्रशंसा कर दी जाए, तो फिर देवरानी के समक्ष जिठानी की प्रशंसा, जिठानी के समक्ष देवरानी की प्रशंसा, भाभी के समक्ष ननद की प्रशंसा और ननद के समक्ष भाभी की प्रशंसा, छोटे भाई के समक्ष बड़े भाई की प्रशंसा, चलो फिर भी सहनीय है, लेकिन बड़े भाई के समक्ष छोटे भाई की प्रशंसा कौन सहन कर सकता है। पर गुण असहनम निंदा ईर्ष्या, दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाना, दूसरे की प्रशंसा, अरे वो तो ऐसे ही है, उनसे अच्छा तो हम करके दिखाएंगे, हमारा देखा कहाँ है अभी तुम लोगों ने काम, हमारा प्रवचन सुना कहाँ है अभी तुम लोगों ने, अभी तो आपने और टीवी चैनल पर अच्छे अच्छे प्रवचनकार को सुना है, एक बार मेरा भी तो सुन के देखना, पता चल जाएगा। ये कौन सी भाषा होती है? ईर्ष्या की, अहंकार की, और दूसरे की निंदा का भाव भी छुपा होता है उसके अंदर में, है ना। ये सब एक दूसरे की सखी सहेलियां हैं। कौन? ईर्ष्या, निंदा, और कौन? ईर्ष्या, निंदा, और कौन? अहंकार। ये सब एक दूसरे के सहेली मित्र मंडली है, और ये मित्र मंडली मिलकर के हमारी चेतना पर ऐसा असर डालती है कि कर्म बंध से और बंधन में, अधिक बंधन में पड़ता चला जाता है। ये अंतस चेतना का प्रभाव। बंधु, दूसरा कारण ईर्ष्या का और भी हो सकता है, जीवन में किसी की प्रगति को नहीं देख पाना। अगर कोई अपने कार्यों में कुछ प्रगति कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव करें,
कहते तो है ये पंक्ति, लेकिन ध्यान तो दो जरा, किसी दूसरे की वृद्धि जब होती है तब अपने अंतस में मन में कौन से विचार आते हैं, तो यह भी एक ईर्ष्या का कारण होता है, किसी की प्रगति ना देख पाना। जबकि वहाँ प्रगति किस बल पर किया है, क्या तुम्हारे किसी दम पर किया है उसने, विकास जो किया है क्या आपकी दम पर किया है, क्या आपकी धन संपत्ति की दम पर किया है, या आपके ज्ञान की दम पर किया है, या बुद्धि के दम पर किया है? नहीं, उसने अपने धन की दम पर वृद्धि की है, प्रगति की है, उसने अपने बुद्धि के बल पर प्रगति की है, उसने अपने सभ्यता के बल पर एक सभ्य स्वरूप को प्राप्त किया है। हम क्यों उससे ईर्ष्या करते हैं ये समझना चाहिए, अपने मन में ही इस तरह के प्रश्न उठाना चाहिए कि हे संसारी प्राणी जीव, हे आत्मन, तू क्यों किसी दूसरे की प्रगति को देख करके ईर्ष्या करता है? दूसरे की प्रगति को देखकर ईर्ष्या करना मतलब अपने जीवन में गति के भी कदमों को पीछे हटा देने जैसा होता है। कि एक व्यक्ति झरने के पास पहुंचता है, क्या लेकर के? कटोरा, है ना। पनहारन पहुंचती है, मटका लेकर के, और एक व्यक्ति पनभरवा पहुंचता है, पीके लेकर के, और हौज लेकर के भी पहुंचते हैं। पानी भर दिया जाता है झरने के द्वारा, और फिर अंत में क्या, टैंकर तक उसको भी भर देता, और फिर भरवाने वाले एक दूसरे के भरे पात्रों को देखकर झरना को पक्षपाती सिद्ध करते हैं। कैसा है ये, मुझे तो कटोरी भर जल दिया, कटोरे बस, इसको मटके भर, इसको पी के भर, और इसको तो हौज, और इसको तो टैंकर ही भर दिया। अरे झरना कहता है, अपनी पात्रता को देख लो, तुम कौन सा पात्र लेकर के आए, जो लेकर के आए वो भर गया, अब ईर्ष्या क्यों करते हो? ठीक इसी तरह हमें अपनी पात्रता को झांक करके देखना चाहिए, जितनी पात्रता हम हासिल करेंगे उसके अनुरूप ही हम प्रगति कर पाएंगे। दूसरे की पात्रता और दूसरे के उपलब्धि को देख करके कभी ईर्ष्या भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईर्ष्या करता है वह ईश्वर को नहीं पहचान सकता। और भी कारण होते हैं, कई लोगों की व्यर्थ में ही जलने कुड़ने जैसी आदत होती है, है ना। बहुत जी कुड़ रहा, जी कुड़ रहा मतलब क्या, कुड़ रहा जल रहा, क्यों उस कुड़ता में और कुड़ने में कुड़ कुड़ कर ये जिंदगी व्यतीत करते हो बंधुओं? मन की इस कुड़न को जलन को समाप्त करो और बढ़िया जिंदगी जीने का आनंद प्राप्त करो। ईश्वर को कैसे पहचाने, कहाँ है ईश्वर, क्या पहचान है ईश्वर की, करता क्या है ईश्वर, कई प्रकार के प्रश्न अपने मन में आ सकते हैं। आचार्य कहते हैं, ईश्वर की पहचान करने की आस्था जागृत हुई है, बहुत शुभ लक्षण है। ईश्वर बनने का प्रथम लक्षण क्या है, ईश्वर को पहचानने की कोशिश करो, और जो ईश्वर है पहले तो ये स्वीकार करो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपने आप को ईश्वर मान के चलते हैं, कोई दुनिया में और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। तो पहले सच्चे ईश्वर को पहचानने की कोशिश करो, उन पर श्रद्धा विश्वास करने की कोशिश करो, और फिर उनकी पहचान करो कि सही ईश्वर कौन है। ईश्वर को पहचानने के उपरांत उनकी आराधना करिएगा, पूजन कीजिएगा, और पूजन और आराधना करके ध्यान में बैठ करके प्रभु की आराधना करो तो ईश्वरत्व को प्राप्त करने के आपको कुछ साधन प्राप्त हो सकेंगे, और अंत में जा करके ईश्वरत्व की सिद्धि हो सकेगी।
बिना ईर्ष्या को छोड़े हम ईश्वर को नहीं पा सकते। ईर्ष्या ऐसी नकारात्मक सोच है, ऐसी सड़ान है दिमाग की कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्य से कहा कि देखो ये मेरी अंतिम शिक्षा है तुम लोगों के लिए। गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरी अंतिम सीख है, आप लोग सीखो। जी गुरुजी, शिष्य तो शिष्य होता है, गुरु सीख दे, कहें सीख गुरु, करुणाधार, करुणाधारी होते हैं गुरु जो हमें सीख प्रदान करते हैं। सभी शिष्यों ने स्वीकार किया, जी गुरुजी दीजिए, आप सीख दीजिए। गुरु ने कहा जाओ सब लोग एक एक टमाटर लेकर के आओ। और सोचा गया कि सीख से टमाटर का क्या संबंध है, फिर भी कहा लेकर के आओ और लेकर के आ गए। अब गुरुजी ने कहा सब लोग अपने अपने टमाटर पर ऊपर एक एक नाम लिखो। किसका नाम लिखना? पहले तो बड़े प्रसन्न हो गए, अपना नाम नहीं, किसका नाम लिखना गुरुजी? अपना अपना? अरे नहीं, अपना नाम नहीं लिखना, तुम्हें अपने जीवन में जिससे ईर्ष्या हो उसका नाम लिखो। अब ऐसा कौन होगा इस जिंदगी में, इस विश्व में, जिसे किसी से ईर्ष्या नहीं होगी? किसी भी शिष्य ने ये नहीं कहा कि मेरा कोई ईर्ष्या, जिस पर ईर्ष्या करूं, ऐसा कोई नाम नहीं है। कोई भी शिष्य ऐसा नहीं निकला, सबने फटाफट नाम लिख दिए और अपने नाम लिख करके बोले गुरुजी अब क्या करना? गुरुजी ने कहा इन सबको अपने अपने पास रखो, अपने अपने टमाटर को। क्या क्या करो इन टमाटरों को रख करके? और फिर जिस पर ईर्ष्या है, जो हमसे भी ईर्ष्या करता है और मेरे को भी उन पर ईर्ष्या है, ऐसे व्यक्तियों का नाम लिख करके और यहाँ रख करके क्या करेंगे हम? लेकिन गुरु की आज्ञा, शिष्य ने स्वीकार किया और सभी शिष्यों ने उन नाम लिखे हुए टमाटरों को अपने अपने पास रख लिया। अब रख तो लिया, बस दो तीन दिन हुए नहीं कि वे सभी गुरु जी के पास फिर पहुँचते टोली बना करके। अरे क्या हुआ गुरुजी, क्या कर दिया आपने, कौन सी सीख दे दी हमें, समझ नहीं आ रहा आप कौन सी सीख देना चाह रहे हैं। देखो ना, इन टमाटरों को हम लोगों ने रखा, अब इनमें से बदबू आने लगी, सड़ान आ रही है, क्या करें? तब गुरु ने कहा अच्छा, अपना नाम लिखते और सड़ान आती तो भी बदबू जैसी लगती क्या तुम्हें? अब वो कहते हैं मेरे अपने नाम लिखे होने पर कहाँ से किसको बदबू जैसी महसूस हो सकती? तो गुरुजी ने कहा सुनो शिष्यों, एक टमाटर पर जिस पर आपको ईर्ष्या है उसका नाम लिख देने से तुम्हारे चित्त में तुम्हें इतनी अधिक बदबू आ रही है, अब बताओ तुम्हारे चित्त में ऐसे कितने नाम लिखे हैं जिनके प्रति तुम्हारा ईर्ष्या का भाव? अगर चित्त में तुम्हारे उन व्यक्तियों का नाम अंकित है जिनसे ईर्ष्या है, तो कभी भी तुम ईश्वर की आराधना नहीं कर पाओगे। इस बात को गुरु ने जब शिष्यों से कहा तब उन्हें ध्यान में आया कि आज गुरु ने हमें बहुत बड़ी सीख दे दी। बंधु, उन गुरु ने उन शिष्यों को दे दी। हम तो ये मान के चलते हैं कि वर्तमान के गुरु आचार्य परमेश्वरी भी हमें यही सीख देते हैं। इनसे कहा, एक आरिका ने, हम सभी लोग बैठे थे कुंडलपुर में, बहुत पहले की बात है, और एक आरिका ने अपने मन के विचार गुरुदेव से कहे, आचार्य श्री कभी भी आपके मुख से किसी की निंदा नहीं सुनी जाती,
और कभी आपको किसी के प्रति ईर्ष्या हो, ऐसे कोई शब्द बरगना इन कर्णों ने कभी नहीं सुने। तब आचार्य श्री जी कहते हैं, निंदा करना, ईर्ष्या करना हमारे कोष में नहीं है, ये तो आउट ऑफ कोर्स है। और आउट ऑफ कोर्स में जो जाता है ना, वो अपने कोष में सफल नहीं हो सकता। इतनी बड़ी सीख हमें गुरु जी ने दी है, फिर भी ये संसारी प्राणी, फिर भी ये शिष्य, और फिर भी कहूँ तो मैं अगर कभी ईर्ष्या का भाव करूँ तो कहाँ हम अपने आप को पाएंगे, ये हमें स्वयं सोचने की जरूरत है। ऐसी तरह से ईश्वरत्व को प्राप्त करना है तो हमें अपने चित्त से, आज निकालोगे क्या आप लोग, चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या हो उसका नाम अंकित तो होगा पक्के में, कौनों के प्रति नहीं है। अच्छा, तो फिर तो आप ईश्वरत्व के निकट पहुंच जाएंगे निकट समय में। और वह सर्वोच्च अवस्था, देखो अभी ना हो क्योंकि आप धर्म सभा में बैठे है ना, लेकिन अगर कहीं इस धर्म सभा के बाहर जाओ और वहाँ पर क्या अपने घर में समाज के बीच में कहीं पर भी, फिर आप शांति से बैठ करके सोचो, विचार करो, क्या कभी अब मेरे चित्त में किसी ईर्ष्यालु का या मेरे द्वारा की गई ईर्ष्या वाले व्यक्ति का नाम लिखा है क्या, मुझे किसी से ईर्ष्या है क्या, कभी हुई है क्या। संसारी प्राणी है, इस प्रकार का संस्कार इसके पास बना रहता है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी हम सभी के लिए यह सीख दे रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति करना है तो सर्वप्रथम अपने मन से ईर्ष्या के भाव को दूर और बहुत दूर कर दो, भले फिर बुद्धि का वैभव कम हो तो भी उस बालक की भांति हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और इसके उपरांत आगे मानतुंग आचार्य पुनः 4 नंबर के श्लोक में फिर अपनी असमर्थता को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काले पवेनोद्धत नक्र चक्रम को वातरी तुमल मंबुनिधिम भुजाभ्याम। जब हम श्वास में इस लय को लयबद्ध करते हैं तो निश्चित तौर पर श्वास श्वास में स्मरण कर ले आत्म ज्ञान रे। जैन श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री रुचिर जैन श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन श्री निपुण जैन, सम्यक जैन एवं वान्या जैन निवासी सहारनपुर प्रवासी मुंबई।